पिछली बार बीजेपी वालों ने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बन रहे हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। ये केवल शमशान घाट ही बना सकते हैं और शमशान घाट में भेजने का भी इंतजाम कर देते हैं मार मार के लोगों को। नदी में लाशें बह रही थी लोगों की, पूरी दुनिया ने देखा जितनी बद इंतजामी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने करी, पूरे दुनिया के अंदर भारत का मुंह नीचा हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड मार्जिन से जीतना चाहिए। मुझे लगता है कि इस विधानसभा के नतीजे तो आज ही आ गए। मुझे लगता है यहाँ की जनता ने अपने छोटे भाई सुबोध को यहाँ का विधायक बनाने का निर्णय आज ही कर लिया। एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे। दोस्तों, आप सब लोगों को देख के लग रहा है मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का इतना स्नेह, इतना प्यार सुबोध जी के लिए, बस दो मिनट के लिए मैं बोलूंगा। मुझे बड़ी खुशी है सुबोध जी झाड़ू से और आम आदमी पार्टी से ये चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार दिल्ली में रहते होंगे, उनसे फोन करके पूछना। दिल्ली में स्कूल, हमने सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, पता है आप लोगों को? हमने दिल्ली में ढेरों नए स्कूल बनाए हैं। यहां पे योगी जी ने कितने स्कूल बनाए 5 साल में? एक भी नहीं बनाया। दिल्ली में हमने शानदार सरकारी स्कूल बनाए हैं, जहां पे गरीबों के, अमीरों के, एक जज का, एक अफसर का, रिक्शे वाले का और मजदूर का बच्चा एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ते हैं। भाई साहब, बाबा साहब अंबेडकर का सपना था कि इस देश के अंदर दलितों के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को, अमीरों के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। 70 साल में भी इन पार्टियों ने बाबा साहब का सपना पूरा नहीं किया। हमने कसम खाई है, बाबा तेरा सपना अधूरा केजरीवाल करेगा पूरा। दिल्ली के अंदर अब गरीबों को और अमीरों को एक साथ एक ही स्कूल में शानदार शिक्षा मिल रही है। दिल्ली में हमने ढेरों सरकारी अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए। अब दिल्ली में अगर कोई बीमार हो जाए, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो, 70-80 लाख रुपए का भी अगर खर्चा आता है, सारा दिल्ली सरकार देती है, अपने घर से एक पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती। उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। दिल्ली में हमने, पहले बिजली बहुत जाया करती थी दिल्ली में, अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी और फ्री बिजली कर दी। लोगों के बिजली के बिल नहीं आते, फ्री बिजली है। यूपी में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। आम आदमी पार्टी ने यह भी ऐलान करा है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो हर महिला को 1000-1000 रुपए उसके अकाउंट में देंगे हर महीने। दिल्ली में पिछले 3-4 साल में मैंने 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, नौकरी दी है 10 लाख युवाओं को। उत्तर प्रदेश में नौकरी चाहिए, नहीं चाहिए बेरोजगारों को? उत्तर प्रदेश में भी रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे।
पिछली बार बीजेपी वालों ने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बन रहे हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। इन्होंने शमशान घाट बहुत बना दिए अब मेरे ख्याल से। अब अगर स्कूल और अस्पताल बनवाने हो तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। ये केवल शमशान घाट ही बना सकते हैं और शमशान घाट में भेजने का भी इंतजाम कर देते हैं मार मार के लोगों को। कोरोना के टाइम याद करो कितने लोग मरे थे उत्तर प्रदेश में, नदी में लाशें बह रही थी लोगों की, पूरी दुनिया ने देखा। जितनी बद इंतजामी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने करी पूरे दुनिया के अंदर भारत का मुंह नीचा हो गया। उसको याद करो कोरोना की जिस तरह से इन्होंने बद इंतजामी करी थी। इस बार भारी बहुमत से अपने छोटे भाई को जिताना, पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड मार्जिन से जीतना चाहिए, रिकॉर्ड मार्जिन से जीतना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी मैं माताजी से भी मिला, माताजी से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। जनता का आशीर्वाद है, माताजी का आशीर्वाद है, ऊपर से इनके स्वर्गीय पिता का आशीर्वाद है। मेरा मन कहता है उत्तर प्रदेश के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो ये विधानसभा में जाएंगे। भारत माता की जय।